बीसीसीआई ने टीम इंडिया के अगले कोच के लिए एक इनविटेशन मांगी। एडवर्टाइजमेंट जय शाह ने कहा था कुछ दिनों में दे दिया जाएगा, और अब एडवर्टाइजमेंट दे दिया गया है कि टीम इंडिया के अगले कोच की तलाश बीसीसीआई कर रहा है। राहुल द्रविड़ जो कि अभी टीम इंडिया के हेड कोच हैं, उनका टेन्योर टी20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो रहा है, यानी जुलाई से हमें एक नया कोच देखने को मिलेगा। चर्चा शुरू हो गई है नया कोच कौन होना चाहिए। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, कोई कह रहा है गौतम गंभीर को होना चाहिए, कोई कह रहा है महेंद्र सिंह धोनी को होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि भाई किसको भारतीय टीम का अगला कोच होना चाहिए। लेकिन जो प्रोसेस है बीसीसीआई ने वो बता दिया है कि इस प्रोसेस के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया है कि ये हमें ज़रूरतें हैं, इसके हिसाब से अगर आप अप्लाई करेंगे, अगर आप परफेक्ट लगते हैं तो आपके इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे, और इंटरव्यू के बाद फाइनल किया जाएगा कि भारत का अगला कोच कौन होने वाला है। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रखा है उस पर अगर बात करें तो बीसीसीआई ने सबसे पहले ये रखा है कि आपकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए और कुछ मैचेस भी आपने खेले होने चाहिए भारत के लिए। डिटेल्स में देखें तो साफ लिखा हुआ है कि आपको मिनिमम 30 टेस्ट मैच या फिर 50 वनडे मैच खेले होने चाहिए। इसके अलावा आपको किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन के मिनिमम 2 साल का कोच का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही किसी IPL फ्रेंचाइजी या फिर किसी लीग के अगर आप कोच हैं तो मिनिमम एक्सपीरियंस आपके लिए 3 साल होना चाहिए। साथ ही BCCI के Level 3 सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए ठीक है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा BCCI का कहना है। यानी कि अगर ये सारे क्राइटेरिया आप फिल करते हैं तो आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद आपको इंटरव्यू किया जाएगा, उसके बाद तय होगा भारत का अगला कोच कौन होने वाला है। जय शाह से राहुल द्रविड़ के बारे में पूछा गया था, क्या राहुल द्रविड़ फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं, क्या फिर से वो भारतीय कोच बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। इस पर जय शाह ने कहा था उनका डिसीजन है, अगर वो चाहते हैं तो बिल्कुल रीअप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। वहीं सोशल मीडिया पर जिस तरीके से KKR ने IPL 2024 में खेल दिखाया है उसके बाद से गौतम गंभीर के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं गौतम गंभीर को अप्लाई करना चाहिए और भारतीय टीम का अगला कोच गौतम गंभीर को बनना चाहिए। सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे लोग गंभीर का नाम लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि गंभीर वो परफेक्ट खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम को मैनेज कर सकते हैं, वो रिजल्ट दे सकते हैं। इस बार जिस तरीके से KKR के मेंटोर के तौर पर जुड़े हैं और KKR की टीम पहली टीम बनी है IPL 2024 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली, उसके बाद से गौतम गंभीर के नाम की चर्चा हर ओर है। हर कोई कह रहा है गौतम गंभीर कोच होने चाहिए, लेकिन BCCI के पैटर्न को अगर देखें और हाल फिलहाल का जो इतिहास कहता है उसको देखें तो देख कर लगता है कि VVS लक्ष्मण वो खिलाड़ी हो सकते हैं जो भारत के अगले कोच बन सकते हैं। फिलहाल अभी NCA चीफ हैं VVS लक्ष्मण, भारतीय टीम में जब राहुल द्रविड़ उपलब्ध नहीं रहे तब वो कोचिंग की जिम्मेदारी भी निभाते हुए आए हैं। वहीं राहुल द्रविड़ की बात करें जो अभी करंट कोच है, उनके इतिहास को देखें तो ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ था, वो भी NCA चीफ थे, उसके बाद भारतीय टीम के कोच बने हैं। VVS लक्ष्मण भी कोचिंग कर चुके हैं भारतीय टीम के कई दफ़ा, NCA चीफ फिलहाल हैं। हो सकता है आने वाले समय में अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनकी लाइन क्लियर हो सकती है, अगले कोच आपको VVS लक्ष्मण ही भारतीय टीम पे दिख सकते हैं। उनका रिकॉर्ड भी अब तक अच्छा है, जितनी भी उन्होंने कोचिंग की उसमें रिजल्ट भी अब तक काफ़ी अच्छे आए हैं। T20 में लक्ष्मण ने अब तक 8 गेम में कोचिंग की, जिसमें 6 भारत जीता है, 1 में हार मिली, जबकि 1 मैच टाई रहा है। वहीं वनडे में अब तक 9 मौके आए हैं जब भारतीय टीम के लिए VVS लक्ष्मण ने कोचिंग की है, जिसमें 5 भारत जीता है, 2 में हार मिली है और 2 मैच बिना रिजल्ट के रहे हैं। VVS लक्ष्मण की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने जब गोल्ड मेडल जीता था वहां पर VVS लक्ष्मण भारतीय टीम के कोच थे। यानी VVS लक्ष्मण देखा जाए तो इस रेस में सबसे आगे दिखते हैं, अगर वो अप्लाई कर देते हैं तो VVS लक्ष्मण को कोच बनने से रोकना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि BCCI के जितने भी क्राइटेरिया हैं उसमें VVS लक्ष्मण पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। लेकिन आप किस खिलाड़ी को कोच के तौर पर देखना चाहते हैं, जिसे आपको लगता है भारतीय टीम के लिए जो परफेक्ट होने वाला है, जो रिजल्ट्स आएंगे, कमेंट सेक्शन में आप अपने कोच का नाम बता सकते हैं।